भी आदमी जाएगा तो बोलेगा कि तो उनसे मिल लिया जाकर करके। सरकार में हो, सरकार में रहोगे तो आपके पास लोग जाएंगे। राष्ट्रीय जनता दल अपने कार्य विकास, क्षेत्रीय विकास के लिए विधायक मंत्री के यहाँ क्यों नहीं जाएंगे? जाना ही चाहिए। इसके लगभग जदयू से दुगने सीट होने के बावजूद भी पछलग्गू बना हुआ है। भाजपा इन दिनों सत्ता के लिए किसी भी नैतिकता को ताक पर रख सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं वसीम खान। बीजेपी लगातार आरजेडी पर निशाना साधते दिख रही है, और वहीं बीजेपी ने जो दावा किया कि खरमास के बाद राजद के कई विधायक बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, एनडीए के हिस्सा बन जाएंगे, उसको लेकर अब सियासत तेज हो चुकी है। आज आरजेडी के तीन विधायक तारकिशोर प्रसाद से उन्होंने मुलाकात की है, और उसके बाद से सियासत और तेज़ हो गई है। जब हमने राजद के नेता शक्ति सिंह यादव से बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि ये मुलाकात को वो कैसे देख रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि सत्ता में बैठे हैं, मंत्री हैं, और मंत्री हैं, सत्ता में बैठे हैं तो कोई काम रहा होगा, और काम के कारण ही विधायक मुलाकात करने पहुँचते हैं। इसका ये मतलब कतई नहीं कि राजद के वो विधायक जो हैं वो राजद का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। तेजस्वी यादव में राजद के तमाम विधायक, कार्यकर्ता और नेताओं का विश्वास है, ऐसा कहते नजर आ रहे थे। क्या कुछ कह रहे हैं एनडीए और खासकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए, जरा आप वो सुनिए। वो तो मंत्री हैं बिहार के, तो कोई काम के वास्ते नगर विकास विभाग है, वित्त विभाग है, कई ऐसे विभाग हैं तो कहीं ना कहीं जन सरकार से जुड़े हुए हैं, तो सवालातों को लेकर करके माननीय विधायक लोग तो जाएंगे। इसका थोड़ी मतलब होता है कि पार्टी के प्रति उनकी प्रतिबद्धताएँ कम गई। राष्ट्रीय जनता दल का एक एक विधायक आदरणीय तेजस्वी जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी के नीतियों में विश्वास रखता है और चट्टानी एकता के तहत काम करता है। भारतीय जनता पार्टी जनता दल युद्ध से लगभग डबल सीट ज़्यादा होने के बावजूद भी सत्ता लोलुपता का शिकार है। भारतीय जनता पार्टी को जितनी बेचैनी है सत्ता की मलाई खाने का, अब इसी से अंदाजा लगाइए कि जिसके लगभग जदयू से दुगने सीट होने के बावजूद भी पछलग्गू बना हुआ है, तो भाजपा को न कहनी चाहिए। भाजपा इन दिनों सत्ता के लिए किसी भी नैतिकता को ताक पर रख सकती है। तो नीतीश कुमार जी उसको जनता ने खारिज कर दिया, उनको अपने माथे पे लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो घूम रही है, तो उसकी खामियाजा तो आने वाले कल में भुगतना ही पड़ेगा उनको ना। तारकिशोर जी से जब बातचीत मीडिया के लोगों ने की, तो उन्होंने कहा कि पूरी बात पहले वो जाने दीजिए, उसके बाद फिर मीडिया के समक्ष रखा जाएगा। कोई बातें नहीं है, हवा में दिन को तीर चलाने की आदत है, उनको चलाने दीजिए। तो कोई भी आदमी जाएगा तो बोलेगा कि तो उनसे मिल लिया जाकर करके। सरकार में हो, सरकार में रहोगे तो आपके पास लोग जाएंगे, काम के लिए जाएंगे। सरकार भाजपा की जागीर नहीं है, सरकार सरकारें होती है। जनआकांक्षाओं के सवालों पर ध्यान आकृष्ट करना विधायक का कर्तव्य होता है, जन समस्याओं के प्रति ध्यान आकृष्ट करता है। लोग जाएंगे, कहेंगे, नहीं सुनेंगे फिर सदन है, प्लेटफॉर्म सदन खुलेगा, इन सवालों को फिर सदन में भी रखेंगे। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल अपने कार्य विकास, क्षेत्रीय विकास के लिए विधायक मंत्री के यहाँ क्यों नहीं जाएंगे? जाना ही चाहिए, जाएंगे। जाने से किसी की प्रतिबद्धताएँ टूट जाती है क्या? भाजपा के नेता जो दावा लगातार कर रहे हैं, और उनके दावे में कहीं कोई दम नहीं है। भाजपा खुद ही आने वाले कल में अंतर कलह के शिकार होगी एनडीए। भाजपा सत्ता दलुपता का इससे बड़ा क्या प्रमाण हो सकता है कि डबल सीट होने के बावजूद भी, डबल अंक में डबल है जदयू से, दुगना सीटें होने के बावजूद भी पिछलग्गू बनी हुई है, उनके पीछे पीछे चलने पर मजबूर है। इससे ज्यादा सत्ता दलुपता का और क्या प्रमाण हो सकता है भाजपा के? तो आपने सुन लिया, शक्ति सिंह यादव साफ तौर पर निशाना साध रहे थे और ये कहते दिख रहे थे कि सत्ता में बैठे लोगों से विधायक का काम पड़ता रहता है, और क्षेत्र के विकास के मुद्दों को लेकर उन्होंने मुलाकात की होगी। इसका ये मतलब कतई नहीं कि राजद के नेता एनडीए या फिर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। साथ ही साथ बीजेपी पर निशाना भी साध रहे थे और कह रहे थे कि जेडीयू से डबल सीट लाने के बाद भी जेडीयू की पिछलग्गी बनी हुई है बीजेपी। खैर, लाइव सिटीज के साथ बने रहें, तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।